अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इंग्लिश में ई के बारे में सीखेंगे कि ई क्या है, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ई कैसा होता है, पहले सी लिखेंगे जो बिल्कुल चांद की तरह होता है, सी जो होता है। फिर उसको ऊपर से ऊपर के सिरे से पकड़ के पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई। ई की क्या साउंड होगी, ई ए, हल्का सा पढ़ेंगे ई ए। तो बच्चों ये क्या बना हुआ है, एग। एग मीन्स अंडा, ई ए एग, ई ए एग। तो ये देखें शुरू में क्या लिखा हुआ है, ये ई, क्या लिखा हुआ है, ये ई, ई ए एग, ई ए एग। तो बच्चों अब हम पिक्चर्स पे आएंगे, तस्वीरों में देखेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले क्या बना हुआ है, एनवेलप, एनवेलप बना हुआ है, क्या है ये, एनवेलप। ए, इसके शुरू में क्या आता है, ई, ए, ई, ए, एनवेलप, एनवेलप। तो दूसरे नंबर पे क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट में कितने ई आते हैं बच्चों, कोई मुझे बताएगा, इसमें कितने ई आते हैं, दो, एक शुरू में और एक दरमियान में, ई ए एलिफेंट, ई ए एलिफेंट। तो बच्चों नीचे देखो ये क्या बना हुआ है, एल्बो, क्या बना हुआ है ये, एल्बो। एल्बो के शुरू में क्या आता है, ई, ई ए एल्बो। तो बच्चों इससे आगे देखें क्या है, ये एग प्लांट, ये क्या है, एग प्लांट, ये सब्जी का नाम है एग प्लांट। तो इसके शुरू में क्या आता है, ई, ई ए एग प्लांट मीन्स बैंगन। तो बच्चों आए हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ई कैसे लिखते हैं। ई, ई की साउंड क्या होगी, ई ए, ई ए, ई ए। तो बच्चों हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, सी डाल के, सी डाल के उसको ऊपर से, ऊपर वाले सिरे से पीछे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई। फिर सी डाल के, सी बना के फिर उसको ऊपर वाले सिरे से पीछे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई, ई ए। फिर सी बना के, सी बना के इसको, इसको ऊपर वाले सिरे से पीछे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई, ई ए। फिर सी बना के इसको ऊपर वाले सिरे से पीछे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई, ई ए। फिर सी बना के इसको ऊपर वाले सिरे से पीछे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई। ई की क्या साउंड है, ई ए। तो इसी तरह बच्चों आपने नीचे प्रैक्टिस करनी है आपने। तो आज हमने क्या सीखा, ई, ई, ई की साउंड क्या होगी, ई ए, ई ए, इसका नाम क्या है, ई, ई ए। तो बच्चों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं इसमें कलर्स भी करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।